अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। डबल ग्लास बाईफेशियल सोलर पैनल, अगर आप अपने घर की छत के ऊपर डबल ग्लास यानी बाईफेशियल सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए, वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि आपको सोलर से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपके मोबाइल में मिल जाए और आप उनको फौरन देख लें और इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। आपको पता होना चाहिए पिछले एक साल डेढ़ साल के अंदर अंदर सोलर पैनल की प्राइस में बेतहाशा कमी इसलिए आई है कि सोलर पैनल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और इवन पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग सोलर पैनल अपने घरों की छतों पर लगवा रहे हैं क्योंकि बिजली की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस बहुत ज्यादा है बिजली के ऊपर, उसी वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई सोलर पैनल लगवाए। अब फर्क क्या होता है सिंगल ग्लास में और डबल ग्लास में, ये इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे, इसमें से कोई चीज स्किप ना कीजिएगा, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या बेनिफिट है और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगाने से आपको 20% तक एक्स्ट्रा बिजली कैसे मिल सकती है। ठीक है जी, डबल ग्लास के साथ, डबल ग्लास इस वक्त जो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर वो 6-7 डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि डबल ग्लास सोलर पैनल बना रही हैं। सबसे पहले आता है कैनेडियन सोलर। कैनेडियन सोलर वाले जो है वो सिंगल ग्लास भी बना रहे हैं और डबल ग्लास भी बना रहे हैं। सिंगल ग्लास जो होता है ना उसकी बैक साइड के ऊपर ईवीए शीट होती है, यानी एक लेमिनेशन शीट होती है जिससे वाटर पास नहीं कर सकता या किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, कंडक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो डबल ग्लास होता है उसके दोनों साइडों पर जो सोलर सेल्स होते हैं उनकी दोनों साइडों के ऊपर शीशा लगा होता है और शीशा भी टेम्पर्ड ग्लास होता है जैसे मोबाइल फोन के शीशा होता है। तो उसका फायदा यह है कि टूटना भी इतना आसान नहीं होता, कोई हैवी चीज आप मारेंगे, कोई हथौड़ी मारेंगे, कोई बड़ा पत्थर मारेंगे फिर भी वो टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। और इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि जब आप छत के ऊपर ऐसे इसको 45 डिग्री के ऊपर या 35 डिग्री के ऊपर सोलर पैनल को लगाते हैं तो नीचे वाली साइड होती है ना उससे भी सन रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर लाइट पड़ती है और उससे 20% एक्स्ट्रा बिजली पैदा होती है। करना आपको यह होता है कि जो छत है ना आपकी, छत की ऊपर वाली साइड उसके ऊपर व्हाइट कलर का वेदर शील्ड पेंट करवा लें या फिर व्हाइट कलर का मार्बल लगवा लें। मार्बल अगर आप लगवाएंगे तब भी सन रिफ्लेक्ट होगा और अगर आप व्हाइट कलर का पेंट करवा लेते हैं, वेदर शील्ड पेंट करवा लेते हैं, तो इवन देन आप सन रिफ्लेक्ट होके जो सूरज की रोशनी है ना वो दूसरी साइड पे सोलर पैनल पे पड़ेगी और आपकी एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी। ठीक है जी, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बाकी जो कंपनीज हैं वो भी हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर किया करें और अगर आपने अपनी घर की छत के ऊपर कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना है 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक का और 1 एसी चलाने वाले से लेके 10 एसी चलाने वाले तक का सिस्टम अगर आप लगवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपने सिटी का नाम बताना है और ये भी बताना है कितने बिजली के यूनिट्स आपको जुलाई के अगस्त के बिलों में आते हैं, तो तब हम आपको बता सकते हैं कि आपके घर की छत के ऊपर कौन सा सोलर सिस्टम लग सकता है। दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि आपका बजट कितना है। तीसरी चीज ये बतानी है कि छत का साइज कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है जिसके ऊपर सोलर पैनल्स फिट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो बड़े सोलर पैनल्स हैं वो 7-7 फुट लंबे और 4-4 फुट चौड़े होते हैं और अगर आपकी छत के ऊपर 20 सोलर पैनल लगने हैं तो उतनी लंबाई और उतनी चौड़ाई भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है जी, अब आ जाए दूसरी जो कंपनी है दैट इज जिंको। जिंको के अंदर दो तरह के सोलर पैनल आते हैं डबल ग्लास के अंदर, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप जो है वो इनका ब्रांड है टाइगर प्रो। टाइगर प्रो प्रो ब्रांड के अंदर भी आपको जो सोलर पैनल्स है ना वो आपको मिल जाएंगे डबल ग्लास के अंदर। इस वक्त ये जो चल रहा है मार्च का एंड चल रहा है 2024 का और अब जो प्राइसेस चल रही है डबल ग्लास की 45 रुपीज से लेकर 46 रुपीज पर वाट के हिसाब से चल रही है ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड टीयर 1 कैटेगरी वाले सोलर पैनल्स के। तो आपने अगर लोंगी कंपनी के लेने हैं, लोंगी जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, इसका लोंजी हाइमो 5 है, लोंजी हाइमो 6 है और नंबर जो लेटेस्ट आया वो है लोंजी हाइमो 7। इन तीनों के डबल ग्लास या बाईफेशियल सोलर पैनल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जो लोंजी हाइमो 5 है वो आपको 42 से लेकर 43 रुपीज का मिलेगा और लोंगी हाइमो 6 जो है वो आपको मिलेगा 44 से 45 रुपीज डबल ग्लास यानी बाईफेशियल। और लोंगी का जो हाइमो 7 आया वो इस वक्त 47 से लेकर 49 रुपीज के दरमियान में आ रहा है। अगले एक महीने के अंदर अंदर चुके कंटेनर्स 12,000 से ज्यादा कंटेनर कराची पोर्ट में पहुंच चुके हैं, उसकी वजह से सोलर पैनल की प्राइसेस मजीद नीचे आ जाएंगी और अप्रैल या मई तक आप देखेंगे कि सोलर पैनल की प्राइसेस इससे भी हो सकता आधी रह जाए या कम अज कम 25-30% प्राइसेस में नीचे आने की चांसेस है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सोलर के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली डबल ग्लास या बाईफेशियल के बारे में वो नहीं जानते और सोलर की जो टेक्निकल चीजें हैं अक्सर जो सोलर पैनल फिटिंग करने वाले लोग होते हैं वो नहीं बताते आपको, इसलिए नहीं बताते कि वहीं से तो उनको मार्जिन प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।